हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल माय नेम इज़ मोनिका फ्रेंड्स आज हम लोग करने वाले हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से पहले ये तो जान लेते हैं कि ये एंग्लो सेक्शन पीरियड था इसमें कुछ राइटर्स हुए पर ये आया कैसे शुरू कैसे हुआ और इसके फ़ीचर्स क्या थे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे तो आज हम लोग ना उसके बारे में पढ़ते हैं तो स्टार्ट करते हैं जो ये नेम है एंग्लो सेक्शन ये दो ट्राइब्स थी उनके नाम पे पड़ा है एंग्लो और सेक्शन सबसे पहले इंग्लैंड बसा कैसे था सबसे पहले इंग्लैंड पे रोमन् ने अटैक किया और रोमन लोग वहाँ पे आए उसके बाद में इंग्लैंड में अपनी लैंग्वेज छोड़ कर गए जब वो वहाँ से गए तो कुछ असर इंग्लैंड पे छोड़ के गए कुछ इंग्लैंड से वो लोग लेकर गए ऐसा होता है ना जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ से कुछ कल्चर सीखते हैं और अपना कुछ कल्चर वहाँ के लोगों को सिखाते हैं जब रोमन्स यहाँ से गए उसके बाद में कौन आए एंग एंगलो और सेक्शन लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे एंगल्स ने और सेक्शन्स ने यहाँ पे अपने कुछ कल्चर जो वो लेकर आए थे उसको यहाँ पे फ्लोरिश किया ये आए किस तरह से थे कि इन्होंने एक आ, आ, नदी पार की थी इन्होंने एक आ, आ, चैनल पार किया था और उसके उसको पार करने के बाद इनको जो लैंड दिखाई दिया उस पर इन्होंने हक किया अपना रहने लग गए वहाँ पर तो ये अपना कल्चर अपने साथ लेकर आए थे जो स्टोरीज़ ये जैसे आ, वर्बली सुनाते थे एक दूसरे को वो स्टोरीज़ वगैरह अपना लिटरेचर सब कुछ साथ लेकर आए थे द लिटरेचर ऑफ़ दिस पीरियड फॉल्स नेचुरली इन टू टू डिवीजन्स पैगन एंड क्रिश्चियन इस टाइम का जो लिटरेचर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उन्होंने नहीं किया था हम लोग अपनी सहूलियत के लिए सर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में द फॉर्मर रिप्रजेंट्स द पोइट्री विद द एंग्लो सेक्शंस प्रोबैबलरी प्रोबाबली ब्रॉड विद दम इन द फॉर्म ऑफ औरल सेजेज जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि औरली किसी स्टोरी को बोला जाता है इस तरह से वो लोग अपने साथ में स्टोरीज लेकर आए थे इसके बाद में इन्हें लिटरेचर के रूप में लिखा जाने लग गया अभी जर्नली क्या है कि उस टाइम पे टू स्कूल्स थे क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस के इंग्लैंड में एक लीडरशिप में था अगस्तीन केम फ्रॉम रोम रोम से आता एंड इट्स स्प्रेड इन द साउथ एंड सेंट्रल ऑफ इंग्लैंड ये इंग्लैंड के सेंटर में स्प्रेड हुआ इसने क्या किया स्कूल्स वगैरह जो है उनकी नींव रखनी शुरू की और इसकी स्पेशलिटी क्या थी कि इसने सिर्फ स्कूल्स वगैरह की नींव रखी वहाँ पे लोगों को एजुकेट किया रफ पीपल जो थे अनएजुकेटेड पीपल थे बट कोई भी किसी भी तरह का लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया फ़ाइन नहीं होता है मतलब किसी भी तरह का लिटरेचर इन्होंने नहीं लिखा या हम तक नहीं पहुँच पाया सेकेंड था अंडर एजन की लीडरशिप में था जो आयरलैंड से आया था और इन्होंने भी अपने स्कूल्स ओपन किए इन्होंने भी अपनी शिक्षा संस्थाएं ओपन की और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इन्होंने जो लिटरेचर लिखा वो आज हम लोग पढ़ पढ़ सकते हैं और हमें वो फ़ाइंड आउट हो गया और जो इनकी संस्थाएं थी उसके इन्फ्लुएंस में कुछ ऐबेज कुछ मठ थे और उन मठों में तीन बहुत फेमस उस टाइम के प्ले थे बीज कैडमन एंड सनवुल्फ तो ये जो तीन हैं इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं इन्होंने जो भी राइटिंग्स लिखी उस टाइम पे बड़ी फेमस थी सिक्स सेवेंटी थ्री से सेवन थर्टी फाइव में वन रेबल बीट इनको फेमसली बोला जाता है नाम इनका फ़ेमस है इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं सेकंड है, है कैडमन और इनके भी इम्पोर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं जो कैडमन का डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में स्पेशली स्पेशली देखने वाली बात यह है कि इनके बारे में कहीं हमें अलग से देखने को नहीं मिलता कि ऐसे कोई इंसान हुए पर हमें जो ये बीड हैं इनके वॉक्स के अंदर कैडमन के नाम का झलक मिलता है और उनके नाम का डिस्क्रिप्शन मिलता है जिससे हमें फाइंड आउट हुआ हाँ इस नाम के भी कोई प्ले हुए हैं और उन्होंने कुछ वॉक्स लिखे हैं थर्ड हेसन है वल्फ ये भी उस टाइम के बड़े फेमस पॉइट हैं और इनको बीवल्फ़ के पॉइट के बाद में नंबर वन पॉइट माना जाता है अदरवाइज ये नंबर वन होते ब्यूवल्फ का पॉइट नंबर वन होता बिकॉज वो अननोन है तो उसे हम नंबर वन नहीं कैटेगरी कैटेगराइज कर सकते और सिन वुल्फ के बारे में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी पोइट्री के नीचे सिग्नेचर करना शुरू किया था आज हम लोग बहुत नॉर्मली देखते हैं कोई ज़रा सी दो लाइनें भी लिखता है तो उसके नीचे अपने सिग्नेचर मैंशन कर देता है दिस इज़ माई मौलिक रचना है ना ये मेरी खुद की अपनी रचना है मौलिक है ये मेरी ये कहीं से चोरी नहीं किया हुआ ये है ये साहित्य तो सिन वुल्फ ने सबसे पहले ये रीत चलाई थी कि उन्होंने सिग्नेचर करना स्टार्ट किया था उनकी जो पोएम है जो उनका लिटरेचर है सिग्नेचर किया हुआ वो मेंशन किया है यहाँ पे और अनसिग्नेचर्ड जो भी है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड में अलग अलग ट्राइब्स आई और वो किस तरह से किन सिचुएशंस में आई और उन्होंने इंग्लैंड को अपना साहित्य दिया वहाँ पे कुछ जाते हुए अपना साहित्य कुछ वर्बल जो स्टोरीज थी जो लोक कथाएँ मौखिक कथाएँ थी जो वो अपनी छोड़ कर गए साथ में इंग्लैंड में और उसके बाद कैसे इंग्लैंड का लिटरेचर लिखा गया और किस तरह से वहाँ पे स्कूल्स फाउंड हुए और उन्होंने भी अपना लिटरेचर लिखा और जो इन स्कूल्स के इन्फ्लुंस में जो जितने भी एबेज थे उनसे हमें कौन कौन से ग्रेट राइटर्स मिले उन ग्रेट राइटर्स ने कौन कौन से अपने वर्क्स लिखे हमने ये देखा है इसमें और किस राइटर ने सबसे पहले स्टार्ट किया था किस पोइट ने स्टार्ट किया था सबसे पहले सिग्नेचर अपना मेंशन करना तो ये भी हमने इसमें देखा है तो आज हमने देखा है एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बारे में और तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट थैंक यू सो मच